नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि वैध हिंदू विवाह नहीं होने की स्थिति में कोई भी विवाह पंजीकरण अधिकारी अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान के तहत जो है ऐसे विवाह का पंजीकरण नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा है हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध विवाह के लिए केवल प्रमाण पत्र ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शादी समारोह और रीति रिवाज का पालन करना भी अनिवार्य रूप से किए जाने चाहिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की बेंच ने कहा है अगर किसी शादी में ऐसे आयोजन का अभाव है तो जो उस शादी को जो है वैवाहिक दर्जा नहीं दिया जा सकता, यानी कि हिंदू विवाह तभी माना जाएगा जब समाज के सामने पूरे मंत्रोच्चार के बीच अग्नि के सात फेरे, पवित्र फेरे लेने जैसी प्रथा निभाई गई हो। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की बेंच ने कहा है अगर किसी शादी में ऐसे आयोजन का अभाव है तो उस जोड़े को वैवाहिक दर्जा नहीं दिया जा सकता, यानी कि हिंदू विवाह तभी वैध माना जाएगा जब समाज के सामने पूर्ण मंत्रोच्चार के बीच अग्नि के साथ पवित्र फेरे लेने जैसी प्रथा निभाई गई हो। वार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा है हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध विवाह के लिए वैवाहिक समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए अगर किसी विवाह की स्थिति में उस समारोह के सबूतों को दिखाया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार तब तक कोई हिंदू विवाह मान्य नहीं होगा जब तक कि दोनों पक्षों ने ऐसे समारोह में भाग नहीं लिया हो। ऐसे समारोह के बिना किसी संस्था द्वारा केवल प्रमाण पत्र जारी करने से ना तो विवाह स्थिति की पुष्टि होगी ना ही हिंदू कानून के तहत विवाह स्थापित हो सकेगा।